आप लोग सठिया गए हैं क्या? कल भाई का बर्थडे है पता है ना, फिर भी उनको बाहर कौन सा मैटर सल्टाने के लिए भेज दिया? आप उनके लिए शॉपिंग क्या करने चला गया, उनको भी छूट मिल गई। आप लोग भी ना कुछ ज्यादा ही करने लग गए। सूर्य भाई ने आप लोगों को सर पे चढ़ा रखा है, सबको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा काम करो, आप उनके लिए स्टिक लेकर आओ। कहा ना एक स्टिक लेकर आओ। आप लोग खड़े क्यों हो गए? आपको नहीं मारूंगा, आप सिर्फ स्टिक लेकर आओ। ये तो सूर्य भाई है जो बेलगाम हो गए हैं, उनको अपन जैसा कंट्रोलर चाहिए बस। सूर्य से बातें करते वक्त मारे घबराहट के तू शाहरुख बन जाता है और तू उसे कंट्रोल करेगा। हेलो, अपन आप लोगों के सामने हकलाता है, सूर्य भाई से कौन डरता है? उनको तो अपन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल नहीं भाई, कंट्री, देशभक्ति की बातें कर रहे थे भाई। लो लकड़ी चाहिए थी ना। अरे हट, अपन ने कब बोला था किसी को कंट्रोल करने वाले थे ना? अब किस बात कंट्रोल में नहीं है, चुप रहिए। अरे तू तो सूर्य को कंट्रोल में रखने वाला था ना। सूर्य भाई को अपन क्या कंट्रोल करेगा, वही अपन सबको कंट्रोल में। लो अब तुम इसे कंट्रोल करो। उसमें बचपना है, तुम बाहर जाओ, बाहर सब बस्ती वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ जाओ। ठीक है। नमस्कार राम भैया, आप सब एक साथ आए? भाई आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए घर बनवाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया, इतना सब कुछ किया हम लोगों के लिए, हमें अपने जैसा ही समझा आपने। भाई कल आपका जन्मदिन है, जानते हैं कि आप अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते, बस एक बार अपना जन्मदिन हम लोगों को मनाने दीजिए ना भाई, कल हमारी बस्ती में आप जरूर आइएगा। क्या सोच रहे हैं सूर्या भाई, एक बार आपको हमारी बस्ती में आना ही होगा। अरे थम्मा, जबरदस्ती है क्या? सूर्या भाई को राजी भी तो होना चाहिए, आप उन पटाखे लेके आएगा है ना भाई? पता नहीं। ठीक है मैं आऊं। भाई आज बहुत अच्छे मूड में, शादी के बारे में पूछ लो ना। अरे अरे तू सूर्य से कुछ भी पूछ ले, सूर्य से शादी के बारे में पूछेगा उसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा करेंगे सुनते हुए तो अपन तो कुंवारा ही मर जाएगा, सुहागरात भी नहीं मना पाएगा। अरे तुझे शादी का इतना ही शौक चढ़ा है तो रात में सूर्य से अकेले में बात कर लेना। भाई से अकेले में बात? हाँ ओके, रात को एक पेग मार लूंगा और पूछ लूंगा। हाँ जा जा जा। ओके सूर्या, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, ये सब क्या है? माथुर जी कॉलेज में लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। का बेटा है, एंजॉय तो करेगा ही ना, छोटी सी बात पे इतना मारा। हम दोनों की 10 सालों से बिजनेस में पार्टनरशिप है, समझे? इसे नहीं पता क्या? जाधव जी भाई, तूने मारा क्या उसे? जी भाई मारा, बस मार कर छोड़ दिया तूने, जान से क्यों नहीं मारा? पागल हो गए हो क्या सूर्या? संग्राम, मुझे अपने बिजनेस से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं। जाधव जी भाई, ये बेशक मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका बेटा कुछ भी गलत करे। माथुर जी, इनका अकाउंट सेटल करके इन्हें अलग कर दो। ए सूर्या, ए आवाज नीचे करके बात करो। सूर्य भाई ने अगर एक हाथ उठाया ना तो तुम जमीन में धस जाओगे, तुम्हारा बेटा तो कोमा में गया लेकिन तुम सीधे ऊपर जाओगे, समझे? चल संग्राम, चल। अबे आंख मत दिखा, चल नेक। चल चल। आज तो आर्या पार जाधव। आई लव मेलू। जाधव। हाँ भाई। यहाँ आओ। संभाल। क्यों खाना खा लिया? हाँ खा पी लिया भाई। तो फिर नींद नहीं आ रही है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है भाई, आप उनको आपसे कुछ कहना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप उन थोड़ा सा चढ़ा कर आ रहा है भाई। मुझसे बात करने के लिए पीकर आना पड़ता है क्या? ऐसी कौन सी बात भाई है? वो मैटर ही कुछ ऐसा है ना कि भाई आप उनके हाथ पाँव कांप रहे ले भाई।
हाथ पांव कहां पर है? आपके शादी की बात है भाई। अरे भाई देखो गुस्सा मत करना भाई और मेरे को मारना मत। आप तो आज बोल के रहेगा। हाँ भाई देखो भाई उठना मत। हाँ जरा डिस्टेंस रखना है भाई। अब डिस्टेंस हाँ प्लीज भाई मेरी बात मानो। हम दोनों की उम्र बीत जाए उससे पहले शादी कर लो भाई। जब आपकी शादी होगी तब आप उनका नंबर आएगा भाई। दूसरों की बारात देखकर अपन को बहुत तकलीफ होती है भाई। सड़क पे चलने वाले लड़कियों से बचने के लिए अपन एकदम स्ट्रेट देख के चलता है भाई। लेकिन अपना गर्दन का कैमरा घूम ही जाता है। गर्दन घुमा लेता हूँ लेकिन नजर का क्या करूँ? अब आपको क्या बताऊँ? रात को नींद नहीं आती। रात भर करवटे बदलता हूँ। कितना सीडी डीवीडी की फिल्में देखूंगा। भाई अपन कुंवारा नहीं मरना चाहता। आप शादी कर लो ना भाई। देखो जाधव सिंह मेरी शादी तो इम्पॉसिबल है। तुम शादी कर लो भाई। बड़े भाई के होते छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन आपको इनकार क्यों है शादी से? हमारा हर काम सही है लेकिन कानून की नजर में गैर कानूनी है तो लड़की को कैसे समझाएंगे? भाई जो लड़की इस बात को समझे उससे शादी कर लो। ठीक है लेकिन जो मुझे चैलेंज कर सके ऐसी लड़की होनी चाहिए। वाह भाई अगर अपनी पसंद तो बताए। थैंक्स भाई। उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो लड़की हाँ दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मिल जाएगी। मुझे देखकर डरे नहीं। ये कैसे होगा? हिम्मत वाली होनी चाहिए। आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। आंखों में आंखें डालकर डेयरिंग से बात करने वाली। आपसे बात करते हुए चुटकी बजाने वाली। 25 साल से अपुन आपके साथ साए की तरह रहता है। कभी अपुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसी बात करने की। भाई अपुन को क्या लगता है मालूम है? इस जन्म में तो अपनी शादी नहीं होने वाली। मिस्टर ब्रदर चलता हूँ। थैंक्स। लड़कियों की फोटो अपुन को देखने दो ना। फंक्शन कितने बजे का है? थोड़ा टाइम है भाई। भाई। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। की मदद करने वाली होनी चाहिए। भाई डाउन होकर डाउन हो रहे हो भाई। ये लड़की तो मदद करने वाली है। मैडम नमस्कार। मैडम शहर में नहीं है? जी हाँ। समझ गया अपुन। ये है अपुन के भाई सूर्या भाई। सूर्या भाई हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। सही वक्त पर लाकर अच्छा किया। चिंता मत कीजिए। यू कैन रिलैक्स। वेरी गुड। इट्स माई ड्यूटी। थैंक्स। थैंक्स। मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? आप तो भगवान की तरह पहुंचकर उनको बचा लिया। बस बाय। यही वो लड़के हैं सूर्या भाई। डॉक्टर क्या हुआ सर? इस लड़के का ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है सर मैं देख लूंगा। व्हाट बॉयज इसको उठाकर ले जाओ। ए जस मैंने आपको भगवान का नेक्स्ट मोमेंट गुंडा बन गए। इसे खुद मारकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे। आप इंसान है कि क्या? ओए मैडम अपुन के भाई के अंदर दो रूप छुपे। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो भाई की आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकती मैं? हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। ए तू भी निगारे। जैसा आपने कहा था मदद करने वाली है और आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करने वाली। कहो तो बात चलाओ। Do you know why they called for emergency meeting? I don't know sir. Urgently call किया था।
एनी अर्जेंट मैटर? आई डोंट नो जी. क्या कोई नया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया है? लेट अस सी. गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज. माय डियर फ्रेंड्स, ये अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि दिस इज फिरोज. ये है पाकिस्तान का माफिया डॉन. दुनिया में जितने माफिया डॉन हैं, उनका सुप्रीम. उसके ऊपर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, हवाला, लैंड ग्रैबिंग्स जैसे बहुत सारे केसेस हैं. सिर्फ केसेस ही हैं, कोई सबूत नहीं है. अब उसकी नजर हमारे भारत देश पर है. वो यहाँ आने वाला है. ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है. अगर वो इंडिया में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शांति भंग कर देगा. सर, वो इतना पावरफुल है? हाँ, बहुत पावरफुल है. जब कनाडा का डॉन उसके आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए. फिरोज का एक अलग ही स्टाइल है. पाकिस्तानी डॉन, तुम्हारे कनाडा पर कब्जा करने के लिए आया हूँ. सिकंदर का खून, उसका जुनून मेरी रगों में है. दुनिया पर कब्जा करने के उसके अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूंगा. लेकिन मेरे रास्ते में तुम आ गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट इट्स ओके, चलो मौत का गेम खेलते हैं. तुम्हें गेम के रूल्स बता दूं. हम दोनों यहां पर फाइट करेंगे. दोनों में से जब जो गिरेगा उसका आदमी मारा जाएगा. मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे दो आदमी मारे जाएंगे, और अगर तुम गिरे तो तुम्हारे दो आदमी. जिस ग्रुप का जितना आदमी बचेगा, फाइनली वही ग्रुप जीत हासिल करेगा, और वो इस जगह का डॉन होगा, कनाडा का नया डॉन. तुम तो गहरी सोच में पड़ गए. डर गए क्या? ओह गुड.